नमस्कार भाई दोस्तों, एक मामला अभी सामने आया था। आपको ही पता है, एक बच्चे ने सुसाइड किया था, जिसके लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम ने बोला कि वो कायर था। कायर होता तो वो सेना में जाने का सपना नहीं देखता, और उसी ग्राउंड में जाके उसने सुसाइड किया जिस ग्राउंड में वो मेहनत करता था। कायर नहीं था, उसका जज्बा था सेना के प्रति। उस जज्बे को तुम क्या समझोगे? कुर्सी के लालचियों जो अपने परिवार के नहीं होते, वो क्या समाज का देश का भला करेंगे? क्या प्रदेश की तरक्की में शामिल होंगे? और उसका नुकसान अभी कितना होने वाला है, ये शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा है। एक हमारे को क्या दिया जा रहा है, हमारे को दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, और इसमें लगे हुए हैं झंडे उठाओ, तलवार उठाओ, कलकी मारो और चल दो। कौन से हिंदू हैं भाई ये? अरे हिंदुओं, कम से कम 3 साल हो गए सेना की भर्ती नहीं खुल रही, भर्ती खुलवा दो। भर्तियाँ नहीं खोली जा रही, 8 मई को भारत बंद करने जा रहे हैं युवा। कमी युवाओं की भी है, युवाओं को झंडा उठाने में मजा आ रहा है। कम से कम अपने लिए तो बोल लो, 3 साल से कोई भर्ती नहीं, वैकेंसियां निकलती हैं, भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही आवाज़ उठाने लगेंगे, तुम्हारे को एक नया मुद्दा मिल जाएगा। या तो करो तुम हिंदू मुसलमान, या हिंदू सिख, झंडा उठाओ और वहां नारे लगाओ, किसी की गाड़ी तोड़ दो, किसी के घर पे पथराव कर दो, मंदिर में से पत्थर फेंकने शुरू कर दो। यही दिया जा रहा है ना, यही सब चल रहा है देश के अंदर, और यही चलेगा, क्योंकि तुमने चुना ही ऐसी सरकार को है। फिर बोल रहे सरकार को, क्यों चुना ही ऐसी सरकार को? तुम्हारे को दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र, और उस हिंदू राष्ट्र में तुम्हारे हाथ में होगा एक झंडा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात नहीं होगी, मंदिर के बाहर भीख मांगना तुम बैठ के, ये तुम्हारा रोजगार होगा। आज आंकड़े बताते हैं आपको। और हाँ, 8 मई को आ रहे हैं युवा, भारत बंद का ऐलान करने जा रहे हैं, जवाब दे देना। महान हिंदू हृदय सम्राट, महान हिंदू हृदय सम्राट तो कहाँ का है तू? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, किसी का क्या होगा? आंकड़े दे देते हैं आपको आज। आंकड़े क्या है? बेरोजगारी, बेरोजगारी में तो नंबर वन है, गुंडागर्दी में नंबर वन है। क्या बना दिया हरियाणा प्रदेश को? 10वीं 12वीं बीए लेवल की नौकरियां में भर्ती सरकार ने 10 लाख युवाओं का बेवकूफ बना दिया। 10 लाख, छोटा मोटा नहीं, 10 लाख। लेकिन वो 10 लाख युवा हैं कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। 10 लाख ही, 10 लाख युवा लगे हुए हैं। कोई मुसलमानों को बर्बाद करने जा रहा है, कोई सिखों को बर्बाद करने जा रहा है, वहां लगे हुए हैं 10 लाख। चलो अखबारों की मान लेते हैं, अखबार तो आपके ही है। 3,30,000 पद खाली हैं, हरियाणा हरियाणा के बताए हैं भर्तियों के, 3,30,000 पद खाली हैं हरियाणा के। ये आपको 2024 में निकाल कर देंगे, आप फार्म भरना, इनके सरकार आते ही कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे रोजगार तुम्हारे को नहीं देंगे ये, लेकिन खाली कर देंगे। इस सरकार की नीयत में कितना खोट है, भर्तियां होती नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। 2 साल से भर्ती CET के तहत करवाने की बोलते रहे और पेपर लिया नहीं। 10 लाख लोग CET की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, 10 लाख, लेकिन हमें तो आज तक मिले नहीं, वो 10 लाख है कहाँ पे? अगर 10 लाख युवा सड़कों पे आ गए ना, बोलती बंद हो जाएगी सरकार की। 3 लाख, 2-3 लाख किसान आए थे, अपनी मांग मनवा कर चले गए थे, कहाँ है वो 10 लाख युवा? इन युवाओं को भी शर्म नहीं आती, इनको पार्टियों के झंडे, ये उसी डिप्टी CM का झंडा उठाएंगे। बोलने को तो बहुत दिल कर रहा है, पता नहीं वो कौन सी वो है पैदाइश है, उसकी परवरिश में गलती हो रही है, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। जो कायर बोल रहा है, जो बोल रहा है सेना को और इसको होमगार्ड को एक बराबर मान रहे हो, जज्बा जानते हो सेना की वर्दी के लिए, एक युवा क्या क्या सपने देखता है पता है? तुम्हारे बाप दादा ने कभी फौज देखी नहीं? प्रदेश को लूटते और खाते हो, और फिर ऊपर से बकवास करते हैं बैठ के कि वो कायर था, सेना में जाना क्या जरूरी था? तुम्हारी तरह मंत्री बनकर देश को लूट ले, प्रदेश को लूटे, क्यों मंत्री बनाते हो ऐसे को, और फिर उसको डिप्टी CM बना दिया। हद है बेशर्मी की, और उन्हीं बेशर्मों के फिर झंडे उठाते। सबसे बड़े बेशर्म वो जो इस जज पिल्ले जो इनके झंडे उठा रहे हैं, उनसे बड़ा बेशर्म मैं नहीं मानता हरियाणा में कोई भी होगा, कोई भी होगा उनसे बड़ा। शिक्षा विभाग की बात कर ले, आप शिक्षा का बात करते हो, 38,000 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, शाबाश, क्योंकि सरकारी स्कूल तो आपको वैसे भी बेचने हैं, सरकारी स्कूल कॉलेज बेचने की तैयारी कर रहे हो, जानबूझ कर भर्ती नहीं खोल रही सरकार। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होगा तो लोग खुद अपने बच्चों को वहाँ से हटा लेंगे पढ़ने से, कोई भर्ती की ज़रूरत ही नहीं, और फिर बोल देंगे यहाँ बच्चे नहीं आ रहे, स्कूल बेच दो, सरकारी संस्थानों को बेच दो, यही है ना। आंकड़े आपके सामने हैं, CTET STET पेपर तो लिए नहीं जाते, पर जब से सरकार आई है कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। सरकार के स्कूल नीलाम करने की योजना है, स्कूलों को नीलाम करने की योजना, एक नया नियम और लेकर आए हैं ये, कौशल रोजगार योजना, पता होगा आपको, कौशल रोजगार योजना,
जिसके तहत ना कोई टेस्ट ना एसटीईटी, बस कोई भी आए और कच्ची नौकरी करे। जो लोग क्वालिफाई हैं उन्हें साइड करो, सस्ते टीचर लेकर भर्ती करो ताकि शोषण चलता रहे। ये है सरकार की मंशा। आज समझो कल समझो, आना आखिर में एक ही जरिया बचेगा, आना आपको सड़कों के ऊपर पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। लेकिन ये जो युवा है ना, बंद कमरों में बैठ कर गलत कमेंट तो कर सकते हैं। हाँ, अगर हिंदू मुसलमान हो गया, ये मुसलमानों को बर्बाद करने चल देंगे, मुसलमानों के बच्चे हिंदुओं को बर्बाद, खास करके युवा युवा पीढ़ी यहाँ बैठे हैं, कोई भी सिख या सरदार दी क्या, वो खालिस्तानी, बस हम खालिस्तानियों को बर्बाद करेंगे। खालसा को खालिस्तानी बना दिया, तुम्हारे को ये नहीं पता खालसा था क्या, उसको तुमने खालिस्तानी बना दिया। युवा में जागृति आई है, थोड़ी थोड़ी आई है, पूरी नहीं आई है। अब ये आंकड़े आपको देख दिए हैं, अगर ये जो 10 लाख युवा बेरोजगार है, इनमें से अगर आधे 5 लाख युवा भी सड़कों पे आते हैं ना, 5 लाख, आंखें फट जाएं सरकार की आंखें। आके तो देखे एक बार, अपना हक नहीं मांग सकते, तुम बंद कमरों में बैठ रहे हो। ये जो युवा अभी क्या है, 8 मई के बाद देखना आप, जो ये युवा आएंगे ना, पहली बात तो इनके अंदर हिम्मत होगी ना, तो ये आएंगे, अगर सभी सुसाइड करने लगे, सभी को कायर बोल दोगे, कायर बोलोगे सभी को। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छा काम है सुसाइड करना, अरे सुसाइड से अच्छा तो जो मंत्री बैठे ना, इनको पकड़ो ना, इनका गिरेबान पकड़ो, इनका घर पे जाके क्यों नहीं ये भर्तियां होने दे रहे, पकड़ो ना इनका गिरेबान। एक हमारे को प्रधानमंत्री दे रखा है, 7 साल हो गए, कभी नजर ही नहीं आता, बस टेलीविजन में आता, मन की बात बकवास करके चला जाता है, जिसके बारे में बोलता है वही बर्बाद। किसानों के लिए बोला किसान बर्बाद, शिक्षा के लिए बोलता है बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के लिए बोलता है रोजगार कहीं है नहीं, खा गया 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 2 करोड़ से ज्यादा खा रहा है, कोई कंपनियां फायदे में है उसको भी बेच रहा है। इसके बाप की है क्या ये, जो ये सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, इसके बाप की है क्या, कभी सवाल किया है इनसे? बोलते सरकार से सवाल मत करो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, और उसको दूसरा सवाल करता है ना, तुम उसकी टांग खींच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टांग खिंचाई कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर मादा भी नहीं है, मादा नहीं है इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर। घर के कमरे में आराम से बस कमेंट करते रहते हो, कभी मांगी है अपना रोजगार? कितने बेरोजगार युवा हर एक गांव में जाके देखो, लेकिन उनको रोजगार दे दिया जाता है, फलाना मंत्री आएगा झंडे लेकर नारे लगाना, मेरा मंत्री जिंदाबाद, बेशर्मी की हद। अभी भी घूमते हैं ये लोग यहां पे, ये घूमना तो दूर गए, ये अपने घर से बाहर ना निकले। अगर जिसको यूथ पावर बोलते हैं, किसी भी देश की ताकत होती है उसकी यूथ पावर, यूथ पावर को इतना बेरोजगार बना दे, बस टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बनाओ, गंद फैलाओ और उसको देखते रहो, ये तुम्हारे को रोजगार दे रखा है। प्रधानमंत्री बोलता गाने बनाओ अच्छा रोजगार है, गानों को रोजगार बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री चुना तुमने, बेशर्मी की हर एक हद पार हो चुकी है, हर एक हद पार, वो भी अपने देश के अंदर। पहले सिर्फ पंजाब से जाते थे लोग बाहर विदेश में, वही पंजाब के विदेश में जाकर नाम कमाते हैं, नाम। अभी सबसे ज्यादा हरियाणा से भाग रहे हैं लोग विदेशों की तरफ, अपनी जमीन बेच बेच के। ये तो चाह रहे हैं कि तुम भागो, तुम्हारे को इतना बर्बाद कर देंगे कि तुम भागने के लायक भी नहीं बचोगे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम्हारी समझ में आएगा तुम बर्बाद हो चुके होगे। सिर्फ 2 कदम पीछे, अभी तक 5 कदम दूर थे श्रीलंका से, सिर्फ 2 कदम दूर हो श्रीलंका से, 2 कदम दूर, और श्रीलंका से भी बदतर हालात होंगे अपने देश के, श्रीलंका से भी बदतर। बस अपना धर्म का झंडा कंधे पे रखो और चलो। आज ईद की मुबारकबाद बोल दी तो मैं मुसलमान हो गया। अखा तीज आज किसानों का त्यौहार है, उसको ये आए हैं नए टाइप के हिंदू, उसको और ही कुछ बना दिया, कुणसा तृतीया चतुर्थी कुछ बना दिया। चलो तुम्हारे हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस तरह से तुम्हारे बोलते ना हनुमान का फोटो लगाने से भूत पिशाच भागते हैं, उसी तरह से संजय नल सिंह भिंडरे वाले का फोटो लगाओ, जो ये जितने भी ढोंगी पाखंडी है ना, सबका पाखंडवार आ जाता है, पाखंडवार इनका, तड़पते हैं फिर ये। इतना क्यों, आज तक भी क्यों संत की तस्वीर डरा रही तुम्हारे को? ये है तुम्हारी हालात, तुम्हारे हालात ऐसे बना दिए हैं तुम्हारे को, तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारी गर्दन पर पैर रखेंगे और तुम सूं तक भी नहीं करोगे। अभी जो सांस ले रहे हो ना तुम, सांसों पर टैक्स लगने वाला है और जल्दी लग जाएगा। अभी तो घूमने का टैक्स लगाया है, जमीन तुम्हारी, स्टेडियम तुम्हारे, टैक्स ये लोग लेंगे। जब इनके पास कुछ नहीं बचेगा, बंदी लगाएंगे, स्कूल के बच्चों से भी 5-5 रुपए लेते हैं, 5-5 केजी दाने लेते हैं किसान से, ये भिखमंगे चुन रखे हैं, भिखमंगे।
इन भिखमंगों को राज दे रखा है, फिर बोलते हैं इनकी तो कोई औलाद नहीं है, क्या करना है देश के लिए, देश के लिए देश को बेच रहे हैं ये। तुम्हारा आज तक समझ में ही नहीं आया ये चाह क्या रहे हैं। हर चीज नकली दिखाई है इन लोगों ने, डिग्रियां फर्जी, शादीशुदा का फार्म फर्जी, हर चीज फर्जी है इनकी, हर चीज फर्जी। लास्ट में पूरे देश को बर्बाद करेंगे और भाग जाएंगे ये देश से। शुरुआत में ही बोला था झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन इस देश को बर्बाद करके झोला उठा के जाएगा। हाँ, अपनी जो मुहिम चलाई है संयुक्त पंजाब वाली, चलेगी वो मुहिम। हमारा संयुक्त पंजाब अलग कर दो भाई, जो तुमने हरियाणा की हालत कर दी है ना, ये बर्बाद हरियाणा को ही संयुक्त पंजाब में दे दो। बर्बाद तो तुमने कर दिया, बेरोजगारी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज में बर्बाद कर दिया। खेलों को हटा दिया, कबड्डी कुश्ती यही खेल होते थे गाँव के, यही खेल होते थे हरियाणा पंजाब के, यही खेल होते थे। इन खेलों को हटा दिया, कॉमनवेल्थ से हर जगह से हटा दिया, कहीं गाँव के बच्चे मेडल ना लेके आ जाए, क्योंकि इनकी छाती पर मूंग दली जाती है जब ये बच्चे मेडल लेके आते हैं ना इनकी छाती पर। अभी भी नहीं समझे कौन सी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है? नहीं समझ में आया अभी भी कौन सी कम्युनिटी इनके टारगेट के ऊपर है? नहीं आएगा तुम्हारी समझ में, बस तुम इनकी दरी बिछाओ, दरी बिछाने के काम आओगे तुम इनके। फिर चलाते हम चौधरी, कौन से चौधरी हो? दरी बिछाने वाले चौधरी, दरी बिछाने के लायक समझते हैं तुम्हारे और बिछवा रहे हैं तुम्हारे से। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना भाई ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, अपनी जो संयुक्त पंजाब की मुहिम है वो लगातार चलती रहेगी, हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना अगर आपकी समझ में आता है तो, 9518883630, 9518883630। नाम दीपक फौजी, ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। जब भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या समस्या है, हमारा काम आपकी समस्या को आगे रख देना, उससे आगे काम आपका है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन बचा लो, ये देश बिल्कुल गड्ढे से भी नीचे जा चुका है। गड्ढों का जिक्र करो, हरियाणा में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, बोला तुम्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, देश को आगे लेके जाना है, आगे नहीं लेके जाना, तुम्हें उस युग में लेके जाएंगे, कीड़े के पत्ते लपेटना और झिंगा लाला हुर हुर करते फिरना, फिर तुम देखते हैं फिर सबसे पहले पत्थर की शाखा का आविष्कार कौन करेगा। जल्दी ये दिन तुम्हारे आने वाले हैं, पत्थर की शाखा का आविष्कार करोगे, ये दिन लेके आएगा, वो होंगे तुम्हारे सबसे अच्छे दिन, सबसे अच्छे दिन वो आएंगे तुम्हारे। याद रखना इस बात को, पल्ले गांठ मार लेना, अगर तुम्हारे को पूरी तरीके से बर्बाद करके नहीं जाए आदमी तो देख लेना, पूरा बर्बाद करके जाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी भी चीज को, ये ध्यान कर लेना इस चीज का, कहीं सोच रहे हो छोड़ देगा। इनकी नजर जहां पे है ना, तुम जहां पे नजर रख रहे हो गलत कौम से टकरा रहे हो, बहुत गलत कौम से। अगर ये कौम पूरी मिल गई ना, पूरा संयुक्त पंजाब मिल गया, तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ेंगी, याद रखोगे, इतना बता दिया, थोड़े में ज्यादा समझ जाना, थोड़े में ज्यादा, बहुत गलत जगह पे पंगा ले रहे हो। इसका रिजल्ट तुम्हारे को मिलेगा, और जल्द ही मिलेगा, जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। आए थे ना तुम्हारी वो, हम यात्रा निकाल लेंगे, ये करेंगे, निकाल दी यात्रा, तुम्हारी ऐसी यात्रा निकलेगी, याद रखोगे जिंदगी भर, याद। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब, ईद मुबारक, अक्खा तीज मुबारक, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अपने त्यौहार मनाओ, सभी मिलजुल कर अपने त्यौहार मनाओ और हंसी खुशी मनाओ। ये लोग तुम्हारे को जितना बांटते ना, उतना ही जुड़ो, एक दूसरे से जुड़ो, जितना जुड़ोगे उतना ही इनकी आंखें पथराएंगे। और अपने हक के लिए ना आवाज़ उठाना सीखो, आवाज़ उठाना सीखो अपने हक के लिए, नहीं तो बर्बाद हो चुके हो, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो। नमस्कार भाई दोस्तों।